हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ आप YT स्टूडियो में अपना दूसरा जो चैनल होता है उसको कैसे यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो, या आप अगर एक से ज़्यादा चैनल भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो कैसे आप YT स्टूडियो में ऐड कर सकते हो। तो इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा आप डेस्कटॉप मोड में भी कैसे अपना जो दूसरा चैनल है लॉग इन कर सकते हो। तो दोस्तों, डेस्कटॉप मोड मतलब यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र पे आके वहाँ पे भी आपको जो चैनल है उसको यहाँ पे मैं चेंज करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे YT स्टूडियो को ओपन कर लेता हूं। YT स्टूडियो को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, यहां पे आप मेरा टोटल जो सब्सक्राइबर है यहां पे देख सकते हो 15,272 यहां पे सब्सक्राइबर है, और यहां पे आप मेरा व्यूज भी देख सकते हो। तो यहां पे सिंपली अभी जो मेरा चैनल यहां पे लॉग इन है यह है टेक्निकल रियल। तो आपको मैं बता, आप अगर यहां पे दूसरा चैनल यहां पे लॉग इन करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली यहां पे अपना जो राइट साइड पे लोगो है इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक कर लेने के बाद तो आपको सिंपली यहाँ पे छोटा सा एरो वाला ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो एरो वाले पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका पहले से ही ऑलरेडी चैनल लॉगिन होगा तो यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे दिखा देगा जितना भी चैनल लॉगिन होगा। अगर आपका एक ही चैनल है तो आपको यहाँ पे अकाउंट और प्लस वाला ऊपर जो ऑप्शन दिखता है तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिखा देगा। तो दोस्तों, आपको कोई सा भी आप अगर चैनल को यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं तो उस चैनल को आप यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज कर लेने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप चैनल पे क्लिक करोगे, आपका जो चैनल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से आप YT स्टूडियो में जो है अपना दूसरा चैनल लॉगिन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे क्रोम ब्राउजर पे कैसे अपना दूसरा चैनल लॉगिन करना है। उसके लिए दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एरो वाला ऑप्शन दिखेगा या आपके मोबाइल पे 3 डॉट भी दिख सकता है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद नीचे यहाँ पे डेस्कटॉप साइड करके ऑप्शन जो है वो दिखेगा, यहाँ पे उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, आपका जो यूट्यूब चैनल है वो डेस्कटॉप मोड पे यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो ये देख सकते हो, तो जैसे ही आपका डेस्कटॉप पे यूट्यूब ओपन होता है कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, उस तरीके का यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल आपका क्रोम ब्राउज़र पे लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे आप दूसरा यहाँ पे चैनल जो है कैसे लॉगिन करोगे, तो यहाँ पे मेरा टेक्निकल रियल जो लॉगिन है, तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे फिर से लोगो पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप लोगो पे क्लिक करोगे तो दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे आपको दिखा देगा स्विच्ड अकाउंट करके यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो सिंपली स्विच्ड अकाउंट पे आपको क्लिक कर लेना है। तो स्विच्ड अकाउंट पे क्लिक कर लेने के बाद आपको फिर से यहाँ पे बहुत सारा चैनल दिखा देगा, आप जिस भी चैनल को यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हो उस चैनल को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पे सिंपली वो जो चैनल है आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका ऐसा आपका मोबाइल दिखाएगा कि आपका मोबाइल यहाँ पे अभी भी टेक्निकल रियल है, लेकिन यहाँ पे आपका मोबाइल पूरी तरीके से अगर रिफ्रेश हो जाएगा तो यहां पे आपका न्यू चैनल जो है वो लॉगिन ऑलरेडी हो चुका है। तो यहां पे अगर मैं लोगो पे क्लिक करूंगा तो मेरा न्यू चैनल का सब दिखाएगा। योर चैनल पे मैं आके आपको दिखा देता हूं, तो योर चैनल पे आप देख सकते हो, तो ये मेरा जो चैनल है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप यहां पे क्या कर सकते हो, क्रोम ब्राउजर पे अपना दूसरा जो चैनल है यहां पे सिंपली लॉगिन कर सकते हो। डेस्कटॉप मोड में भी आप इजीली कर सकते हो, YT स्टूडियो में भी आप इजीली कर सकते हो। यहां पे आपको टेक्निकल रियल दिखाएगा, लेकिन आप अगर कुछ भी यहां पे सेटिंग करते हो तो आपका जो चैनल आप लॉगिन किए हो उस चैनल का यहां पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप YT स्टूडियो में दूसरा चैनल इजीली लॉगिन कर सकते हो, क्रोम ब्राउजर में भी दूसरा चैनल इजीली लॉगिन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे इसी तरह का जो हेल्पफुल वीडियो है आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।